अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम डार्ट का कंप्लीट ट्यूटोरियल देखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हम बेसिक्स टॉपिक को कवर करते हुए एडवांस की तरफ मूव करेंगे। देखिए, स्टार्ट में हम डार्ट को इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम जितने भी हमारे बेसिक टॉपिक होंगे वो हम हमारे पास जो ऑनलाइन एडिटर है, डार्ट ने जो हमें ऑनलाइन एडिटर प्रोवाइड किया है, हम उस पर करेंगे। देन उसके बाद एडवांस टॉपिक के लिए पहले हम इंस्टॉलेशन करेंगे डार्ट की, देन उसके बाद हम जितने भी एडवांस टॉपिक हैं डार्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी मुझे नहीं लग रहा कि हमें बेसिक टॉपिक के लिए डार्ट को पहले इंस्टॉल करना चाहिए। तो पहले हम जितने भी बेसिक टॉपिक हैं वो डार्ट पैड पे ही कवर करेंगे, देन एडवांस टॉपिक के लिए मूव ऑन करेंगे डार्ट पे, उसका सॉफ्टवेयर हम इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डार्ट पे कि डार्ट होता क्या है हमारे पास। तो डार्ट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डिवेलप किया है गूगल ने। ठीक है, इस डार्ट को यूज़ करते हुए हम मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं एंड वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। बट आजकल जो डार्ट का ज़्यादा यूज़ है वो फ्लटर के लिए किया जा रहा है। हम डार्ट को तभी लर्न करते हैं या तभी सीखते हैं जब हमने फ्लटर पे कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है या फ्लटर को पे कोई काम करना होता है। तो वैसे हमें डार्ट इतना यूज़ में नहीं आती है क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास एक न्यू लैंग्वेज है। बट जब भी हमने फ्लटर पे वर्क करना होता है, फ्लटर के प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, फ्लटर की ऐप्स बनानी होती हैं, तब हम डार्ट को सीखते हैं। तो अब अगर हम फ्लटर की तरफ देख लें तो फ्लटर का टॉपिक इंशाल्लाह हम डार्ट के ट्यूटोरियल्स के बाद रखेंगे। अब इन वीडियो में मैं ये करूँगी, जो पूरा ट्यूटोरियल है इसको स्प्लिट करके मैं छोटी छोटी वीडियोस के पार्ट भी बना दूँगी। अगर जो देखना चाहे वो वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकता है। तो पहले हम यहाँ से अपना एडिटर ओपन करते हैं। कि मैं आपको एडिटर ओपन करने का भी वे बता देती हूँ। अपना क्रोम ओपन करें, गूगल ओपन करें और यूएल में टाइप करें डॉट पैड डॉट टिफ, प्रेस इंटरप्रेस करें तो हमारे पास ये डॉट पैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डॉट पैड है। यहाँ पे हम ये जो हमारे पास ये पोर्शन है, यहाँ पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है, यहाँ पे हम जितनी भी लाइन ऑफ कोड होगा, जितनी भी डॉट का कोड होगा, हम यहाँ इस साइड पर वो लिखेंगे जितनी भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट है। ये जो रन का बटन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस रन के बटन को जब क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एंड जो कंसोल पे हमारी आउटपुट को वो प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ से हम अपना न्यू पैड भी ओपन कर सकते हैं। ये आपसे पूछेगा डार्ट में करना है या फ्लटर में करना है, तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ से हम जो चीज़ें लिखी हुई होंगी, मतलब उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको रिसेट के बटन पर क्लिक करेंगे। और अगर हम इंस्टॉल करने चाहते हैं अपने डार्ट का SDK, तो हम यहाँ से SDK को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारा अभी हम इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो हम बेस को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हम अपना मेन फंक्शन बना लेंगे। डार्ट में क्या होता है कि जो भी चीज़ हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स लिखनी है वो इनसाइड द मेन फंक्शन लिखेंगे। क्लासेस हम बाहर बना सकते हैं, क्लासेस का कॉन्सेप्ट हम बाद में लिखेंगे। बट जितनी भी लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जितनी भी प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट करना चाहते हैं, वही हम यहाँ से मेन फंक्शन में ही लिखेंगे। ये जो मेन फंक्शन है हमारा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, ये पहले प्री डिफाइन है डार्ट में, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा एप्लीकेशन का। यहाँ से हमने जितनी भी लाइन्स ऑफ कोड लिखे होंगे वो यहाँ से एग्जीक्यूट होंगे। हमने यहाँ पे जितने भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स लिखे हुए होंगे तो यहाँ से एग्जीक्यूट होंगे मेन फंक्शन से, क्योंकि ये हमारा एंट्री पॉइंट है। और कंसोल पे प्रिंट होंगे, कंसोल को हम टर्मिनल भी कह सकते हैं और कंसोल भी कह सकते हैं, कंसोल और टर्मिनल पे प्रिंट होंगे। तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि हम डार्ट में कोई भी वर्ड या कोई भी स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो डॉट है इसका जो सिंटैक्स है वो सी से मिलता है और ऊप के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर हैं डॉट से, तो जो इसका सिंटैक्स है मेजॉरिटी सी से मिलता है। तो सी में हम जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते थे वो प्रिंट होता था, प्रिंट, और सी प्लस प्लस में भी हम प्रिंट को ही यूज़ करते हैं। तो डॉट में भी हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग कुछ भी चीज़ अगर हमने प्रिंट करानी है तो हम प्रिंट का कीवर्ड ही यूज़ करेंगे। तो प्रिंट के लिए स्मॉल पी, ये जो प्रिंट का पूरा जो कीवर्ड होगा वो स्मॉल अल्फाबेट होंगे। देन उसके बाद ब्रैकेट्स का या जैसे इसका स्कोप कह सकते हैं हम कि स्कोप, और डबल कोट में भी हम जो भी हमने प्रिंट करना है वो डबल कोट में भी दे सकते हैं और सिंगल कोट में भी हम इसको कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो मैं भी डबल कोट में हम देख लेते हैं, पहले मैंने डबल कोट लगाया और यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं उसको प्रिंट करने के लिए। जब लाइन हमने लाइन ख़त्म करनी है, लाइन को एंड करने के लिए हमें सेमी कॉलन का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम इसको रन करें तो ये मेरे पास कंसोल पे हमारे टर्मिनल पे प्रिंट हो गया है हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यही सेम चीज़
इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, सिंगल कोट में भी पास करूँ तो ये भी मेरे पास आउटपुट में हम पहले देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड, अब मैं इसे अगेन अगर रन करूँ तो देखें डबल कोट्स में दिया हो या सिंगल कोट में दिया हो, जो भी हम चीज़ प्रिंट करा रहे हैं वो हमारे पास कंसोल पे प्रिंट होके आ रही है। वो स्टेट